छतरपुर के नौगांव थाना अंतर्गत ग्राम खुर्दा निवासी पवन मिश्रा के घर से गत जून माह में सोने चांदी के जेवरात सहित नगद राशि चोरी होने का सनसनीखेज घटना सामने आई थी। फरियादी की शिकायत पर थाना नौगांव में अपराध पंजीबद्ध भी किया गया था। नौगांव थाना पुलिस द्वारा घटनास्थल का भौतिक निरीक्षण कर तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करते हुए विवेचना के दौरान हर संभावित स्थानों में घटना से जुड़े आरोपियों की तलाश कर रही थी। एसपी अगम जैन द्वारा चोरी की से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 8,000 का इनाम भी उद्घोषित किया गया था। मंगलवार को पुलिस लाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान घटना का खुलासा करते हुए एसपी अगम जैन ने बताया कि नौगांव थाना अंतर्गत ग्राम खुर्दा में घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 अंतर्राज्यीय चोरों को नौगांव थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गांव खुर्दा नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत जून माह में एक घटना हुई थी जिसमें कि बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात की चोरी उसमें हुई थी। तभी से हमारी टीम लगातार उसमें लगी हुई थी और कोशिश में थे कि उसका खुलासा किया जाए और फाइनली उसका आज खुलासा हुआ है, जिसमें 3 मुख्य आरोपी जिनके नाम है जय सिंह परमार, तेज प्रताप और चेनू कुशवाहा, इनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें जय सिंह परमार के ऊपर 30 से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं। 302 NDPS, चोरी, हर प्रकार के अपराध, गैंगस्टर एक्ट इत्यादि इस व्यक्ति पर पंजीबद्ध हैं। और उसके साथ ही इन तीनों अपराधियों को जब अरेस्ट किया तो इनके पास से लगभग 13.5 लाख का 19 तोला सोना और 900 ग्राम चांदी और 61,000 रुपये कैश और अवैध हथियार और मोबाइल और स्कॉर्पियो, इस प्रकार से टोटल मिला के लगभग 30 लाख की सामग्री की संपत्ति की जब्ती हुई है। और इसके अलावा 3 अपराधी जो इसी के साथ में प्लानिंग में और इसके घटना को अंजाम देने में थे, इदरीस खान मकरबई महोबा का रहने वाला, अनिल ठाकुर मुडेरा प्रकाश बमोरी का रहने वाला और देवी दीन मटौन बांदा का रहने वाला, इनकी तलाश जारी है। हमें उम्मीद है कि इनको भी हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे और इनके पास से भी कुछ संपत्ति जो इन्होंने चुराई है उसका खुलासा होगा।